नमस्कार दोस्तों, वेलकम चिरोन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सिक्स कंपनीज, छह कंपनीज के बारे में जहां पर ह्यूज डिविडेंड, बहुत बड़ा डिविडेंड एंड प्लस कंपनी ने स्प्लिट बोनस, इन सभी चीजों का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो चलिए वन बाय वन सभी कंपनीज को चेक किया जाए, किसने डिविडेंड, किसने रिकॉर्ड, किसने बोनस, किसने डिविडेंड, सभी चीजों को डिस्कस किया जाए और कैसा किसका सबका रिजल्ट आया। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपनी, आपके सामने सबसे पहली कंपनी है रेडिंगटन, जहां पर देख सकते हैं 208 के प्राइस में ट्रेड करिए 2% के उछाल के साथ। अब कंपनी का रिजल्ट को चेक कर लिया है, तो रिजल्ट कैसा है? तो फ्रेंड, अभी हम लोग यहां पर जो भी नंबर डिस्कस करेंगे, सबसे पहला चीज वो नंबर आपका रहेगा करोड़ में रहेगा, एंड आपका जो ये रिजल्ट जो है वो आपका कंसोलिडेटेड बेसिस में ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी ये कंपनी का सबसे पहला चीज है कंपैरिजन होगा ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में। तो ये देखिए लास्ट ईयर का रिजल्ट है, कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया, ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। टोटल इनकम को चेक कीजिए तो 23,549, प्रीवियस क्वार्टर में तो 21,714, यानी ईयरली बेसिस में रेवेन्यू इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में भी देखिए 22 से बढ़कर के 296, यानी इनकम तो बढ़कर आ रहा है जो कि बढ़िया है। अब है कंपनी का एक्सपेंस को चेक किया जाए तो एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है 23,115, लास्ट ईयर था 21,220, प्रीवियस क्वार्टर में था 21,080, यानी एक्सपेंस भी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, एक्सपेंस अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। एंड इस कारण से कंपनी का अगर हम लोग चेक करेंगे और टैक्स हटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 347.88 का आ रहा है, लास्ट ईयर था 392 का। तो ईयरली बेसिस में गिरावट हो गया प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट एंड क्वार्टरली बेसिस में जंप है, यानी कंपनी का रिजल्ट जो है मिला जुला सा मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट है, बिकॉज ईयरली बेसिस में गिरावट है, ध्यान दीजिएगा, एंड क्वार्टरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है। तो कल के सेंटिमेंट, बाजार के सेंटिमेंट के अनुसार इसमें ट्रेड करना होगा। तो ईयरली बेसिस में गिरकर आ रहा है, बेसिस में गिरकर आ रहा है एंड क्वार्टर में बढ़कर आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी फॉर टुडे, दैट इज आप देख सकते हैं आपके सामने दिशा इंडिया लिमिटेड, जिसका आप देख सकते हैं प्राइस 15,355 का है एंड आज देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1.45% का उछाल इसमें देखने को मिल रहा है इसके प्राइस में। अब कंपनी ने कैसा रिजल्ट अनाउंस किया है, कितना डिविडेंड दिया है, इनको हम चलिए हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने देख सकते हैं दिशा यहाँ पर नाम है, देख सकते हैं जगह पर दिशा इंडिया लिमिटेड, और कंपनी ने देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंस किया है 100 रुपीज का, 100 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, 1000% के टर्म में 1000 है। एंड इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है 16 फरवरी 2024, आप देखिए रिकॉर्ड डेट फरवरी 16, 2024 का है, एंड 100 रुपए प्रति शेयर, यानी 1 शेयर पे आपको मिलेंगे 100 रुपीज, 100 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। ओके, एंड पेमेंट कब तक हो जाएगा? द सेड इंटरिम डिविडेंड विल बी पेड ऑन बिफोर मार्च 6, 2024 विद इन 30 डेज। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द डिविडेंड पार्ट। नाउ मूविंग टू द रिजल्ट पार्ट, ये कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है, बिकॉज रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो हम लोग सोच सकते हैं कि डिविडेंड के लिए यहाँ पर हम लोग इसी में पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज नहीं। जो भी नंबर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा मिलियन में, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। एंड कंपनी का हम लोग चेक करेंगे कि ये देखिए लास्ट ईयर का रिजल्ट है, लास्ट नहीं, ये कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया है, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है और ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। टोटल रेवेन्यू को चेक किया जाए तो देखिए 652 का रेवेन्यू अभी है, लास्ट ईयर था 554 का, प्रीवियस क्वार्टर में था 842, यानी देखिए ईयरली बेसिस में जंप है, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ईयरली बेसिस में जंप, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट हो गया फिर से। एक्सपेंस 575 का है, देखिए अभी आया है, लास्ट ईयर था 521 एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 705, यानी एक्सपेंस भी प्रीवियस क्वार्टर में बढ़कर आया है, इनकम तो बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़कर आ गया। नेट प्रॉफिट कैसा उसको चेक किया जाए, देखिए 57.5 का नेट प्रॉफिट अभी है, लास्ट ईयर था 23.4, तो ईयरली बेसिस में अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली बेसिस में देख सकते हैं गिरकर आ रहा है। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट है फ्रेंड, जैसा मैंने अभी बताया आपको। और ईपीएस देखिए 39.54 का भी है, लास्ट ईयर था 16.09, यानी ईपीएस में अच्छा खासा ईयरली बेसिस में जंप है, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, तो मिक्स काइंड है। यहाँ भी आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, ये ना कि डिविडेंड 100 रुपया दे रही है तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर लूँ, जैसा आपको सेंटिमेंट दिखे उसके अनुसार आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मूविंग टू द थर्ड कंपनी फॉर टुडे, दैट इज ईआईडी पैरी, जहाँ पर देख सकते हैं आज लगभग 1.77% की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग हुआ है, 635 का सीएमपी चल रहा है एंड कंपनी ने आज अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। तो रिजल्ट को चेक किया जाए कि रिजल्ट कैसा आया है, तो फिर से रिपीट करूंगा, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है एंड यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा करोड़ में रहेगा, और हम लोग ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में कंपैरिजन करेंगे कि लास्ट ईयर का रिजल्ट है, कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया एंड ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। टोटल इनकम को चेक किया जाए तो देखिए 7,811 का अभी आया है, लास्ट ईयर था 9,885 का, प्रीवियस क्वार्टर में था 9,210 का, यानी बहुत ही गिरावट है, ईयरली बेसिस में गिरावट है एंड क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है कंपनी के इनकम में, जो कि बढ़िया नहीं है। एक्सपेंस को चेक करें तो एक्सपेंस देखिए 7,514 का है, लास्ट ईयर था 9,181 एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 817, यानी एक्सपेंस भी अच्छा खासा घटकर आया है।
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पर। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट को चेक किया जाए तो नेट प्रॉफिट क्या है, तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अभी आया है टैक्स हटाने के बाद 216 का भी नेट प्रॉफिट है, लास्ट ईयर था 481 का एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 781। यानी फ्रेंड ईयरली बेसिस में भी गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, तो रिजल्ट जो रहता है ना उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, इतना बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का ईपीएस को चेक करेंगे तो 6.66 का अभी ईपीएस है, लास्ट ईयर था 14.14, प्रीवियस क्वार्टर में था 25.48, तो रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं है बिकॉज कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है एंड कंपनी के आपका सेल्स में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है ईआईडी पैरी। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी दैट इज कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, जहां पर देख सकते हैं आज इसका प्राइस 925 का चल रहा है 0.52% की गिरावट के साथ, और कंपनी ने आज अनाउंसमेंट किया है रिकॉर्ड डेट जो अनाउंसमेंट है दैट इज मार्च 5, 2024, मार्च 5, मार्च 2024 का, जहां पर कंपनी ने देख सकते हैं सब डिवीजन स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है प्लस बोनस शेयर से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया है। तो स्प्लिट जो भी शेयर इसके हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, इसका एक्स रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। सब डिवीजन जो है वो होगा आपका इस रेशियो में, यानी कि एक शेयर जो रहेगा सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग शेयर है वन वन शेयर, वो हो जाएंगे दो शेयर्स हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, तो एक के बदले में हो जाएंगे दो शेयर। एंड बोनस शेयर जो है उसके अलावा इसके इसी शेयर का फिर बोनस भी होगा, 1:1 का रेशियो का बोनस भी अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। तो दो इवेंट होगा यहाँ पर देख सकते हैं, बोनस एंड स्प्लिट, और रिकॉर्ड डेट जिसका फिक्स किया गया है 5 मार्च 2024। तो जो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उन्हें अपने डीमैट अकाउंट में शेयर को 5 मार्च 2024 तक रखना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस में ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी फॉर टुडे दैट इज एनएलसी इंडिया, जहां पर देख सकते हैं 3% का जो हाल के साथ क्लोजिंग हुआ, 283 का प्राइस है, एंड कंपनी ने आज डिविडेंड एंड प्लस रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट किया है। तो चेक किया जाए कंपनी ने डिविडेंड जो अनाउंस किया है वो आपका है 1.5 रुपए, 1.50 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है, और रिकॉर्ड डेट जिसका फिक्स किया गया है देख सकते हैं 16 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024, एंड देख सकते हैं डिविडेंड विल बी पेड, तो पेमेंट हो जाएगा 6 मार्च 2024 तक। फिर से रिपीट करूंगा, 1.5 रुपए का डिविडेंड एक शेयर पे आपको मिलेंगे 1.50 रुपीज। कंपनी का नाम एनएलसी इंडिया। ओके नाउ मूविंग टू द रिजल्ट पार्ट, कंपनी ने रिजल्ट कैसा दिया है उसको चेक करेंगे। अब बिकॉज डिविडेंड को लेकर के सिर्फ काम नहीं करना है, आप रिजल्ट को पहले एनालाइज करेंगे, अच्छा रहेगा तब डिविडेंड के लिए सोचेंगे। अब कंपनी का देखिए 2022 का है ये लास्ट ईयर का रिजल्ट, कंपनी ने ये अभी रिजल्ट अनाउंस किया, ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है, चेक कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। ओके अभी ये कंपनी का इनकम, ये देखिए कंपनी का इनकम है 3982 का लास्ट ईयर हुआ करता था, ईयरली बेसिस में गिरावट है 3249 है, क्वार्टरली बेसिस में देखिए यहाँ पर मामूली सा जंप है, तो क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा जंप है, ईयरली बेसिस में गिरावट है जो कि उतना बढ़िया नहीं है। कंपनी का एक्सपेंस को चेक किया जाएगा तो एक्सपेंस देखिए 2911 का भी है, लास्ट ईयर था 3011 का, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, प्रीवियस क्वार्टर में 2811 का है, तो एक्सपेंस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में जंप है एक्सपेंस में भी। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा, देखिए 402 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बताया जा रही है, लास्ट ईयर में देखिए 670 करोड़ का लॉस बताया है, जो कि कंपनी का इनकम में ज्यादा ग्रोथ था लेकिन अभी जो है कंपनी को लॉस बता रही है। रीजन लॉस क्या था, देखिए यहाँ पर नेट मूवमेंट रेगुलेटरी डेफर्ड अकाउंट में ये इनकम को डाला गया था, एंड इस कारण से क्या होता, कंपनी का लॉस आया था लास्ट ईयर, लेकिन वो लॉस लॉस नहीं था, वो एक्चुअली प्रॉफिट ही था, लेकिन बस ये दो चीजों का जो आइटम जो था उसको इंक्लूड किया गया था, डेफर्ड अकाउंट एंड दूसरा प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जो रहता है, दो चीजों को इंक्लूड करके कंपनी 670 करोड़ के लॉस में थी लास्ट ईयर। और अगर ऐसे चेक कीजिएगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल है देखा जाए ईयरली बेसिस में, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आ रहा बिकॉज कंपनी का सेल्स गिर कर आया है। ओके एंड क्वार्टरली बेसिस में 1700 से गिर करके 402, तो रिजल्ट जो रहता है मिला जुला सा मिक्स रिजल्ट है, ऐसे मुझे रिजल्ट उतना पसंद नहीं आया है बिकॉज ईयरली बिकॉज कंपनी का सेल्स में गिरावट है। बेसिक ईपीएस चेक कीजिएगा तो 1.83 का भी है, लास्ट ईयर नेगेटिव ईपीएस था, प्रीवियस क्वार्टर में 7.83 है, तो देखिए ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, ईयरली बेसिस में जंप करने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रहा है, हालांकि ये जो लॉस जो है ये एक्चुअली लॉस नहीं था कंपनी का। ओके अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, आज जो कंपनी लास्ट कंपनी है फॉर टुडे दैट इज देख सकते हैं ये है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, इसका प्राइस 5,270 का है, 2.60 का उछाल के साथ आज क्लोजिंग हुआ है, और कंपनी ने ह्यूज डिविडेंड, बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है, ह्यूज डिविडेंड देख सकते हैं इस जगह पर, सो यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 200 रुपीज पर शेयर, ये देख सकते हैं, सो 200 रुपए का डिविडेंड है
पर शेयर, एक शेयर पे आपको मिलेंगे 200 रुपीज। एंड उसके अलावा रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया है, यहाँ देख सकते हैं 14 फरवरी 2024। सो ये जो डिविडेंड हैव डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल 2023 ऑफ 200 इंक्लूडिंग वन टाइम स्पेशल डिविडेंड ऑफ 150 पर इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड भी है, तो ₹200 का डिविडेंड है एंड प्लस रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी 2024 का है। अब है रिजल्ट कैसा आया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड कंपनी का रिजल्ट आपके सामने में है एंड अभी हम लोग जो भी नंबर डिस्कशन करेंगे वो आपका रहेगा लाख में रहेगा। ओके ये देख सकते हैं लाख में, और कंपनी का हम लोग कंपैरिजन देख सकते हैं यहाँ पे। ये 2022 लास्ट ईयर का था, ये कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया एंड ये प्रीवियस क्वार्टर का है। कंपनी का इनकम को चेक किया जाए तो इनकम देखिए 31,515 का है, लास्ट ईयर 31,451, यानी ईयरली बेसिस में जंप है, क्वार्टरली बेसिस में 31,098 से बढ़ करके, तो ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी की इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस 21,543, लास्ट ईयर 20,957, प्रीवियस क्वार्टर में 22,293। अब है कंपनी का हम लोग चेक करेंगे नेट प्रॉफिट डायरेक्टली, 7,207 का अभी प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर था 7,680। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बढ़कर आ रहा है 21,000 से, देख सकते हैं बढ़ा, और इस कारण से क्या हुआ, कंपनी का जो रहता है प्लस टैक्सेशन को भी लेकर के, टैक्स भी थोड़ा यहाँ पर, तो ने जो प्रॉफिट जो रहता है ईयरली बेसिस में गिरावट है नेट प्रॉफिट एंड क्वार्टरली बेसिस में जंप देखने को मिल रहा है। तो ये मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट फिर से आ गया है फ्रेंड, बिकॉज ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में जंप है। ईपीएस 43.4 का भी है, लास्ट ईयर था 46.3, प्रीवियस क्वार्टर में था 39.5, तो ईयरली बेसिस में यहाँ भी गिरावट है एंड क्वार्टरली बेसिस में जंप है, तो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है। कल का सेंटीमेंट जैसा रहेगा वैसे ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। सो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग दिस कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा, थैंक यू।